कैसे प्रेशर सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करेगा ये हमें देखना था, क्लियर। सो व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर और व्हेन वी डिक्रीज द प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सॉल्ट इज ऑलमोस्ट इज दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेशर। हम एक सॉलिड को जब किसी लिक्विड सॉल्यूशन में मिलाएंगे उसको प्रेशराइज करेंगे ना करेंगे उससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना है। हमारे पास एक वाटर है, वाटर में NaCl को ऐड करते हैं, कॉमन सॉल्ट को ऐड करते हैं, तो इस कॉमन सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है इस तरह मैं प्रेशराइज करूंगा, कंप्रेस करूंगा, क्लियर, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं है। सो द प्रेशर विल नॉट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि सॉलिड लिक्विड दोनों ही कंप्रेसिबल नहीं होते उतने ज्यादा। अभी हम आए सेकेंड केस पर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यदि हम गैस की बात करें लिक्विड में, सो व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीजेस। गैस को तो जितना गैस इज हाईली कंप्रेसिबल हम उसको प्रेशराइज करेंगे कंप्रेस होगी। अच्छा कंप्रेस होने से होगा क्या, जो गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ डिस्टेंस पे थे नाउ दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। द गैस मॉलिक्यूल व्हिच आर प्रेजेंट अवे फ्रॉम ईच अदर वो एक दूसरे के पास में आएंगे और इजीली डेंसिटी बढ़ेगी और लिक्विड में डिसॉल्व होना चाहोगे। तो जितना तुम गैस को प्रेशराइज करोगे उतना वो गैस में डिसॉल्व हो, लिक्विड में डिसॉल्व हो। क्लियर, इसका जो मैथमेटिकल रिलेशन है दैट इज सजेस्टेड बाय हेनरीज, वी कॉल इट हेनरीज लॉ। ये स्पेसिफिक पार्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, क्लियर, उसके अंदर में ये हेडिंग है। चलो हम इसको देखते हैं डिटेल में। According to this law, solubility of a gas in a liquid directly proportional to partial pressure of gas over the liquid. जितना ज़्यादा तुम उसे pressurize करोगे वो उतना ज़्यादा gas dissolved होगी। या mathematically इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, partial pressure is directly proportional to mole fraction of gas in liquid. This is the mole fraction of gas in liquid जो dissolved हो चुका है। तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व हो चुका होगा। इज दैट ओके, क्या इतना हमें समझ में आता है? यस सर। Thank you.
रोहन मुझे वहां पर चाहिए गैस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ गया मोर द ग्रेटर द प्रेशर ऑफ गैस मोर विल बी द डिसॉल्व्ड फॉर्म ऑफ गैस इन द लिक्विड गैस इन लिक्विड जो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड हो गई मतलब वो गैस नहीं बची थी कॉपी किया है सभी ने यस सर चल some properties of KH देखो KH टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जनरली क्या होगा KH बढ़ेगा अब KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कैसे कम होगी रिलेशन देखो H is equal to 1 upon KH into P. If we keep same pressure and on increasing temperature KH increases, hence 1 upon KH decreases, mole fraction of gas in the liquid decreases. मतलब solubility कम हो जाएगी, कम gas dissolved होगी, यदि हमने temperature बढ़ाया है. Yeah? Unit of KH, ये mole fraction है, which is a unitless quantity.
इसका प्रेशर का यूनिट होगा एटीएम और पास्कल, तो इसका भी यूनिट एटीएम और पास्कल होगा। इसे कभी कभी इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, x इक्वल टू वन अपॉन के एच इंटू पी, इसको डिवाइड कर दिया, इसे के एच डैश लिख दिया जाता है और इसका यूनिट एटीएम इनवर्स हो जाएगा। जस्ट अपोज क्लियर इतना साक्षी प्रीति निखिल? यस सर। चलो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। एक्सरसाइज वन पार्ट टू का क्वेश्चन तो मुझे इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। मैं खुद देता हूं, नहीं दिख रहा मुझे उसमें क्वेश्चन, क्वेश्चन देता हूं मैं बोर्ड पर। सर बोर्ड थोड़ा ब्लर दिख रहा है। क्या ब्लर दिख रहा है? बोर्ड बोर्ड ब्लर दिख रहा है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेट मी कंफर्म विद अनिल आल्सो। समृद्धि समीक्षा समर्थ बोर्ड इज क्लियर और नॉट? प्रशांत क्लियर है सर। यस सर क्लियर। मुझे भी दूसरे स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है जिस पर रिकॉर्डिंग चल रही है, तो जिसे ब्लर दिख रहा है वो री एंटर कर जाओ, मे बी पॉसिबल तुम्हारे एंड पे शायद नेटवर्क इशू होगा। Solve. Find the moles of CO2 dissolved in 1000 kg of water at partial pressure of CO2 3 bar. KH is also given. आंसर हो गया। क्या आंसर है?
सर ऐसे सॉल्व नहीं किया, बस वो रफ में नहीं सॉल्व करो ना, कैलकुलेशन ही है इसमें बेसिकली। Answer is 1000 by 6, 500 by 3 moles. Partial pressure kh into x, partial pressure 3 bar. Pascal mein convert kiya hai. Just a minute. Partial pressure kh is also given, moles of CO2 upon moles of CO2 plus moles of water, 1000 kg of water, 10,000 into 10 to the power 3 grams of water. So grams of water upon molar weight, moles of water are mole pressure. Then mathematics is to ignore kar diya. So basically in the regular is to ignore kiya hai. Ye itne kam moles honge ki iske respect mein ignore kar diya. Solve kar lena. क्या इतना क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट समझ में आया? सभी को इतना? मानसी, जादव, निखिल, लक्ष्मी, इज दैट ओके? यस सर। Vapor pressure. Next heading. Thank you.
वेपर प्रेशर, आई थिंक आई हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड दिस टर्म इन लास्ट लेक्चर, एक बार और मैं बताता हूँ या कॉपी कर लो पूरा फिर बताता हूँ। सर यस सर, पहले तो लिखा कि वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाद में 6-7 और ऐड हो गए। हाँ वो फर्स्ट पॉइंट सर, एक मिनट उसका पहले डाउट क्लियर करने दो। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर और ऑन लिक्विड, ये भी लिखा है मैंने। हाँ, अब लिक्विड में चेंज कर दूंगा, क्वेश्चन तुम्हारा ये आता है फॉर गिवन लिक्विड क्या है, इसका मतलब ये हुआ बेंजीन का वेपर प्रेशर अलग, अल्कोहल का अलग, वाटर का अलग, मर्क्यूरी का अलग, यस अलग अलग लिक्विड के लिए अलग। यदि गिवन लिक्विड है, लिक्विड फिक्स कर दिया तो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्या वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, मोर वोलेटाइल लिक्विड हैज मोर वेपर प्रेशर। इसी पॉइंट को मैंने कंटिन्यूशन में लिखा है कि लिक्विड से क्या फर्क पड़ेगा, तो लिक्विड से ये फर्क पड़ेगा। थर्ड पॉइंट पे है वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप साइज ऑफ वेसल एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन, तो इसको कंटिन्यू किया है, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ये मैटर ही नहीं करेगा हमारा शेप वेसल का इतना है या कुछ रेंडम सा शेप है, इतना लिक्विड लिया है या इतना लिक्विड लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
समझ में आया? ये फर्स्ट पॉइंट के ही डिफरेंस में दो पॉइंट लिखे हैं तुमने। यस सर, समझा। मतलब कोई भी पॉइंट इसको काउंटर नहीं कर रहा, उसको सपोर्ट ही कर रहा है। हाँ, कोई बीच में कुछ बोल रहा था, बोलो अभी। वेपर प्रेशर इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। ये ग्राफ होता है, इसका मैथमेटिकल रिलेशन ln वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1 T2 डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय R 1/T2 माइनस बाय T1। ऊपर T1 है तो T1 माइनस साइन, ऊपर T2 होता तो T2 माइनस साइन के साथ होता। एंड अगेन दिस इक्वेशन ऐसा नहीं है, ये कुछ एडवांस इक्वेशन है, कुछ अलग से। We have already seen this equation in 11th standard chemical equilibrium. याद है ln K2 by K1 delta H by R 1/T1 minus 1/T2 ऐसा कुछ किया था हमने? हाँ सर। Yes. और ये वही equation है। देखो कैसे वही equation है? ये भी मैं explain कर देता हूँ। मैं example ले रहता हूँ। H2O liquid, H2O vapor के साथ equilibrium है। इसका equilibrium constant Kp। बताओ क्या हुआ Kp? क्या लिख सकते हैं? Kp will be partial pressure of H2O upon one. Upon one pure liquid. तो ये vapor pressure ही तो हो गया। Equilibrium पे जितना pressure इसके vapor से exert कर रहे हैं, so this is vapor pressure. So K equilibrium is nothing but just a vapor pressure. तो वहीं से derive हुआ है। Clear? Is that okay? Okay. Yes, sir.
one of the definition of vapor boiling point. It is a temperature at which vapor pressure equal to the surrounding pressure. हमारे पास एक लिक्विड है, ये लिक्विड पे सराउंडिंग कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो ये एटमॉस्फेयर कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, हम इसका टेंपरेचर बढ़ाएंगे, इसको वेपराइजेशन होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, वो टेंपरेचर जिसपे इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी 1 एटमॉस्फेयर हो जाए, ताकि जो 180 इस पे लग रहा है उसको कंपनसेट कर दे, तो सारा का सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टेंपरेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट. तो वन ऑफ द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज टेंपरेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर इक्वल टू सराउंडिंग प्रेशर. और इस सराउंडिंग प्रेशर 180 में, देन वी कॉल इट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट. इज दैट ओके? क्या इतना क्लियर है पीयूष शिंदे? पीयूष शंगवानी इज नॉट देयर? यस सर. पीयूष है शंगवानी? यस सर. और गौरव मंदानी? यस सर. ठीक. अच्छा, ये मैंने 11 में डिस्कस किया था कि प्रेशर कुकर में कुकिंग क्यों फास्ट होती है, पढ़ा है? हुआ था सर. ठीक है, क्योंकि वो इससे रिलेटेड इस डेफिनेशन. चलो चले हम आगे. यहां तक कोई डाउट? क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर. ओके, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2. मैं सेक्शन बताता हूं, एक मिनट दो मुझे बस. अभी सॉल्व कर लो ना सर ये. हाँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी सॉल्व करने. एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी कंप्लीट. C1, C2, C3, C4 तुम्हारे पास 4 मिनट है इन 4 क्वेश्चंस के लिए. वैसे तो उस पर आंसर टिक किए हुए हैं. एक्चुअली ये जो मैंने पीडीएफ फाइल भेजी किसी बच्चे से बुला के भेजी, तुम में से भी किसी के पास किसी ने बुकलेट कलेक्ट किया होगा, मुझे पीडीएफ सेंड कर देना, मैं ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं हो. साक्षी है तुम्हारे पास बुकलेट? तो मुझे अभी नहीं, लेक्चर के बाद कर देना इसका पीडीएफ एक्सरसाइज का, तो मैं ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा. और थोड़ा सा जैसे मैंने ये भी सोचा है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 ये पूरा हम क्लास में ही, मतलब कि सब टॉपिक में थोड़े थोड़े ऑब्जेक्टिव बेसिक क्वेश्चन से ये हम क्लास में ही पूरा डिस्कस करेंगे. वो टॉपिक किया, उस टॉपिक के पूरे सेक्शन एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 के पूरे क्वेश्चन करेंगे. तो जैसे जैसे क्लास लेक्चर्स होते जाएंगे ये तुम्हारा क्लास में काम हो जाएगा. पार्ट 1 विल बी होमवर्क और 2 और 3 विल बी होमवर्क. Four minutes, 4 questions.
हाँ सर हो गया। चलो विच क्वेश्चन नीड टू बी डिस्कस सी थ्री कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है सर थर्ड सी थ्री अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस द लोएस्ट वेपर प्रेशर इज एग्जर्टेड बाय द मर्क्यूरी वैसे तो ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन बेस्ड है पता होना चाहिए बट यस इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यदि हम देखें थर्मोमीटर में जनरली मर्क्यूरी यूज होता है बैरोमीटर में जनरली मर्क्यूरी यूज होता है वो इसलिए ही यूज होता है जब हम थर्मोमीटर बैरोमीटर में मर्क्यूरी यूज करते हैं यहाँ पे मर्क्यूरी का कुछ लेवल आ गया अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं इसको पॉइंट ए ले लिया इसको पॉइंट बी ले लिया इस पॉइंट पे प्रेशर हम जीरो अज्यूम करते हैं इफ मर्क्यूरी हैज टेंडेंसी ऑफ वेपराइजेशन उसके कुछ पेपर्स बनेंगे यहाँ पर और
ये वेपर्स इस पे एक्स्ट्रा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे. तो जो ये एजम्पशन हमने लिया था ए इज इन कॉन्टेक्ट विद वैक्यूम, वो एजम्पशन गलत हो जाएगा. तो मर्क्यूरी को छोड़कर सारे लिक्विड वेपराइज होते हैं, मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो, सबसे मिनिमम, और सबसे डेंस लिक्विड है. डेंस मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा. इज दैट ओके? सर मैंने एसीटोन पे लगाया था. तो एसीटोन इज नॉट द राइट आंसर. राइट आंसर इज मर्क्यूरी. और रीजन मतलब वैसे इंफॉर्मेशन दे रहे, बट इसका मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है क्यों इन्हें बैरोमीटर में थर्मोमीटर में यूज किया जाता है. उसका रीजन ये है कि इसका वेपर प्रेशर सबसे कम. सी वन फ्रॉम हर्षिता. A liquid is kept in a closed vessel if a glass plate, negligible mass with a mass, a small hole in kept on the top of the liquid surface in the vapor pressure. Kya maine bataya hai, vapor pressure will not change. Kya vapor pressure sirf temperature pe dependent hai, usme tumne kuch rakh diya usse vapor pressure change hoga kya? Matlab tumne pata hai kya kiya hai? Ye kiya hai exactly. Ye कंटेनर था पहले, ये ओपन था, इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा. तुमने इस पे कुछ अब एक पार्टीशन रख दिया जिसमें होल कर दिया, मतलब सिर्फ सरफेस एरिया इतना एक्सपोजर. तो वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड टेकन, सरफेस एरिया ऑफ दिस लिक्विड, मतलब किसी उन पे तो डिपेंड ही नहीं करता. सेम एज बिफोर आंसर फॉर सी वन. क्या हर्षिता सी वन क्लियर है? So C4. C? कौन सा बोल रहे हो? C4. At higher altitude, water boils at temperature less than 100 degree Celsius. देखो जब भी हम कुछ हाइट पे जाते हैं, वॉटर 100 डिग्री से कम पे बॉइल हो रहा है. मतलब ये वेपर प्रेशर का ग्राफ था, ये पहले 1 एटमॉस्फेयर आ रहा था इस टेम्परेचर पर, ये था 100 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल हाइट पर है. अब हमने हाइट पे गए तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, मतलब लेट्स से जस्ट वो 90 डिग्री हो गया फॉर एग्जांपल, मतलब वेपर प्रेशर कम हुआ. अच्छा ये वो वेपर प्रेशर जिस पे सराउंडिंग प्रेशर के इक्वल हो रहा है. पहले 180m था प्रेशर, हियर 180m मतलब बेसिकली 101325 पास्कल था. अब वेपर प्रेशर जो होगा, मतलब सराउंडिंग प्रेशर जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा. हम इसका देखें आंसर C4 का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पहले ज्यादा था अब कम हो गया. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हुआ इसलिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया. यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता. समझ में आया नहीं आया? यस क्लियर. अब हमें कम टेम्परेचर लगेगा उतना वेपर प्रेशर अचीव करने में जो सराउंडिंग है, मतलब सराउंडिंग प्रेशर कम हुआ है. क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? होमवर्क क्या दिया था? सेक्शन ए दिया था सर, मतलब लिक्विड तब, सर मतलब लिक्विड तभी बॉइल होता है ना जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर. लिक्विड तब बॉइल होता है जब वेपर प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के इक्वल होता है. यदि सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल देंगे. यदि हम क्लोज वेसल ले रहे हैं, प्रेशर कुकर ले रहे हैं, तो उसमें फिर सराउंडिंग प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होके कुकर के अंदर का जो प्रेशर है बहुत ज्यादा होता है, कुकर में हो जाएगा. राइट? चलो होमवर्क क्या था? सेक्शन ए का सिर्फ या सेक्शन बी भी था? पार्ट 1 पार्ट 2 का सेक्शन ए. सेक्शन ए सेक्शन बी पार्ट 1 पार्ट 2. चलो पार्ट 2 सेक्शन ए एंड सेक्शन बी डाउट, तीन क्वेश्चन है पार्ट 2 में. इज देयर एनी डाउट इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी? तुम टाइप कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो.
पार्ट टू पूछ रहा हूँ ना पहले मैं दर्शना पार्ट टू, क्योंकि पार्ट टू ओपन किया हुआ था तो पहले उसकी डाउट बता दो. इज देयर एनी डाउट फ्रॉम पार्ट टू? A2. An ionic compound that attracts atmospheric water to strongly that hydrated is formed is said to be hygroscopic. वो सब्सटेंस जो एटमॉस्फेयर से वाटर मॉइस्चर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं उन्हें हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं. मुझे ऐसा ध्यान है ये वाला टर्म केमिकल इक्विलिब्रियम में आया था, और नहीं आया था तो यू कैन राइट दिस टर्म इन योर लेक्चर नोट्स. हाइग्रोस्कोपिक सब आयोनिक सब्सटेंस विच अट्रैक्ट एटमोस्फेरिक मॉइस्चर उसे हाइग्रोस्कोपिक बोले. क्या इतना क्लियर है? हर्षवर्धन का मैसेज था वैक्यूम में तो फिर लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि वैक्यूम है मतलब सराउंडिंग प्रेशर जीरो, तो सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. यस एग्जैक्टली ऐसा ही होता है. यदि वैक्यूम है ना तो सारा का सारा प्रेशर मतलब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है. तुम वैक्यूम क्रिएट करके देखो, यदि वैक्यूम क्रिएट कर पाओगे तुम तो डेफिनेटली ऐसा मतलब कर भी पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा होगा. वैक्यूम होगा तो थोड़ा सा ही लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा ना? क्यों सर? थोड़ा सा लिक्विड जब वेपर बनेगा तो वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और बाकी का बचा आइस वाटर आइस बन जाएगा. देखो हीट एक्सचेंज और वैक्यूम होना बहुत आर डिफरेंट थिंग. क्या हम वैक्यूम में हीट एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं क्या? मतलब अभी तूने एज्यूम किया कि वो आइसोलेटेड सिस्टम है, तो अभी आइसोलेटेड सिस्टम की तो बात आई नहीं थी. आइसोलेटेड सिस्टम में हीट एक्सचेंज नॉट अलाउड, बट हम वैक्यूम में हीट एक्सचेंज तो कर ही सकते हैं. सर लाइट वैक्यूम से ट्रेवल करके आती है जिसमें एनर्जी, जिसमें हीट एनर्जी, तो वो दो अलग अलग पार्ट हो गए. जो तू एक बोल रहा है आइस हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो. वो फिर हम किस कंडीशन पे क्या कर रहे हैं, लिक्विड नहीं बचेगा ये डेफिनेट. क्लियर? यस सर. पार्ट वन सेक्शन A1, A2, A3 डाउट आया था दर्शना का. पार्ट वन पे आ गए हम. व्हाट आर व्हाई सम सॉल्यूशंस आर प्रोसेस एक्सोथर्मिक वेयर सम आर एंडोथर्मिक. ये वैसे आगे पता लगेगा. एक्सोथर्मिक मींस एनर्जी इज रिलीज्ड. एनर्जी कब रिलीज होगा? जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे. एंड एनर्जी इज अब्सॉर्ब व्हेन द फोर्स ऑफ रिपल्शन आर डोमिनेटिंग. इसी चैप्टर में आगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे. इज देयर ओके दर्शना? यस सर. चलो और कोई डाउट पार्ट वन? Any other doubt? नहीं किसी का भी पार्ट वन में भी कोई डाउट? कंसंट्रेशन टर्म के भी तीनों क्वेश्चन बन गए सभी से? हाँ सर बन गए. सर बी बी का थर्ड वाला क्वेश्चन. B3 B2 का थर्ड ठीक है.
देखो मोलार रिटी दे रखी है थ्री मोल्स ऑफ दिस प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. 1 लीटर सॉल्यूशन मतलब 1000 ml सॉल्यूशन. इसका डेंसिटी दे रखा है 1.5 इतना ग्राम सॉल्यूशन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दिया. अब हम आते हैं मोलार रिटी की डेफिनेशन पे. मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na+ इसके 3 मोल है तो Na+ के डबल हो जाएंगे. 2 times Na+ मिलेगा. So 3 into 2 moles of Na+ upon weight of solvent in kg. Solution का weight है 1580 grams. Solute का weight minus करो 3 moles Na2SO4. Na2SO3 का molar mass into 3. So weight of solution minus weight of solute, weight of solvent. ये solvent का weight आ गया kg में convert कर दिया. क्या इतना clear है? So new न्यूमरेटर वाली टर्म नहीं समझ रहे हैं. कितने मोल से Na2S2O3 के? 3. इसके 3 डिसोसिएट होंगे. इसके कितने बनेंगे? 1 कैन गिव 2 मोल्स ऑफ एनी. आया समझ में? यस सर. और H2O3 2 माइनस में सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा बजाय 6 के यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा. इसके 3 बन गए. यस यस सर. सर Na2S2O3 का वेट तो शायद 158 होता है. 158 ले लो. यस सर. चलो और कोई डाउट? क्या हम आगे चले हैं? यस सर. Next heading, Rawls law.
कॉपी क्या है इतना बोर्ड पे लिखा है, मैं एक्सप्लेन करूं उसे? Yes, sir. देखो हमने एक वैसा लिया, इसमें इनिशियली वैक्यूम था, कुछ लिक्विड ले लिया, ये लिक्विड आ गया यहाँ पर, क्या? The fraction of A in B, it is a solution of A plus B, exsolute, exsolvent. A का फ्रैक्शन लिक्विड फेज में एक्स एन एक्स बी, A का एक्स है, B का एक्स बी, वेपर फेज में जो फ्रैक्शन होगा दैट विल बी y A y B, क्या? अब इनिशियली वैक्यूम था, दिस लिक्विड विल वेपराइज फ्रॉम हियर, वोलेटाइल लिक्विड है, वेपराइज होगा, वेपर्स बनाएगा, कुछ ए वेपराइज होगा, कुछ बी वेपराइज होगा, तो यहां पे ए का फ्रैक्शन y, बी का फ्रैक्शन y b, ए के कारण जो पार्शियल प्रेशर आएगा pa, बी के कारण जो पार्शियल प्रेशर आएगा pb, क्लियर? हां, यदि प्योर एयर लिया तो जो वेपर प्रेशर ए का होता वो से हम बोलते pa नॉट, pa नॉट pb नॉट इज द वेपर प्रेशर व्हेन ओनली ए इज टेकन और ओनली बी इज टेकन, क्लियर? pa pb वेपर प्रेशर है और द सॉल्यूशन जब दोनों को मिक्स कर दिया गया, x मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, y मोल फ्रैक्शन इन वेपर्स, ये टर्म हम यूज करने वाले पूरे चैप्टर में आगे भी ध्यान रखना है, क्लियर है टर्म्स, टर्मिनोलॉजी क्लियर? देखो yes, अब रॉल्स लॉ ने क्या सजेस्ट किया, सिंपल सा लॉ है, तुम यदि फील करोगे तो तुम्हें पता लगेगा हाँ ये तो ऑब्वियस ऐसा तो होना ही चाहिए, ए का फ्रैक्शन यहाँ पे ए और बी दोनों 50-50% जस्ट फॉर एग्जांपल, तो लेट्स से किसी ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, बी का कम है, तो ए ज्यादा वेपराइज होगा, यहाँ पे 50-50 तो ए का 60% आ गया और बी का लेट्स से 40% है, तुमने ए के फ्रैक्शन को 50 से बढ़ा दिया 60, क्या यहाँ पे ए के फ्रैक्शन को बढ़ाएंगे तो ए ज्यादा वेपराइज होगा, इफ मोर अमाउंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन क्या हम ये कह सकते हैं ए का वेपराइजेशन ज्यादा होने लगेगा, जितना ज्यादा फ्रैक्शन ए का लिक्विड में उतना ज्यादा वेपराइजेशन, उतना ज्यादा ए का पार्शियल प्रेशर, इज दैट ओके? यस सर, यस सर, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए is directly proportional to mole fraction of A in the liquid phase. Liquid phase में एक आप कितना fraction है वो उस पे depend करेगा. Partial pressure of B is proportional to mole fraction of B in the liquid phase. हम इस pressure को इस fraction से relate कर रहे हैं. एक similar type का law हमारे पास था Dalton's law. Partial pressure of A is equal to total pressure into mole fraction. वो mole fraction था vapor phase में, gases में. ये लिक्विड फेज के फ्रैक्शन को वेपर प्रेशर से रिलेट करें तो वो अलग है, या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं हम, यहाँ पर यहाँ पे ए नॉट से यहाँ पे बी, दिस आर द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या पी ए इक्वल टू पी नॉट एक्स है, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स, अब पी ए नॉट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्यों आया, चलो एक्स ए को वन रखो, जब तुम x को 1 रखोगे मतलब 100% है, प्योर है, तो प्योर a का वेपर प्रेशर हमने p नॉट डिफाइन किया, व्हेन यू टेक x इक्वल टू 1 p b इक्वल टू p b नॉट, कांस्टेंट p b नॉट आना ही चाहिए 100% प्योर वेपर प्रेशर ऑफ, क्या इतना हमें समझ में आता है? Thank you.
टोटल प्रेशर ए का पार्शियल प्रेशर प्लस बी का पार्शियल प्रेशर दोनों को ऐड कर दिया, ए नॉट एक्स प्लस बी नॉट एक्स, थोड़ा सा इसमें फिर ये किया है हमने मॉडिफिकेशन, एक्स ए को एक्स बी को रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस एक्स और मॉडिफाई किया है, तो ये टर्म आ गया प्योरली एक्स ए में, और सिमिलरली तुम एक्स बी के लिए करोगे तो पी टोटल तुम्हारा आ जाएगा, जब तुम बजाय एक्स बी को रिप्लेस करने के एक्स ए को लिखोगे 1 माइनस एक्स, तो आंसर आएगा पी ए नॉट प्लस B naught minus P A naught X B. अब बोर्ड पे देखना, पहले समझना है फिर कॉपी करना है. X A को हम यहाँ पे जीरो ले रहे हैं. XA is increasing from here to XA यहाँ पे one आ गया. Summation of mole fraction is always one. यदि XA one, XB zero. If XA is increasing from left to right, XB should decrease from left to right and increase from right to left. Just opposite होना चाहिए. तो XB के लिए जो origin होगा वो ये होगा zero और XA के लिए origin ये होगा. हमारे पास एक equation है. PA equal to PA naught XN, इसको Y axis पे ले लेते हैं vapor pressure. Y MX, Y equal to MX, straight line passing through origin, तो इसकी equation कुछ ऐसे आ जाएगी. जब XA 1 होगा, PA will be PA naught. क्या इतना हमें समझ में आता है ग्राफ? देवेश, देवेश, okay? Yes, sir. सेकेंड ग्राफ देखेंगे पीवी इक्वल टू पीवी नॉट एक्सपी, तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन जाएगा, एक्सपी का ओरिजिन यहां पर है, तो ये ग्राफ जाएगा कुछ इसमें, ये ले लिया पीवी नॉट, डेफिनेटली एक ज्यादा वोलेटाइल होगा एक कम होगा, मैंने ए को कंसीडर कर लिया कि ज्यादा वोलेटाइल, जस्ट
फॉर द एग्जाम्पल ना कुछ ऐसा स्पेशल होगा हमेशा, तो पी भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। पी टोटल की बात करें हम बोर्ड पे देखना अगेन मैथमेटिकल रिलेशन, पी टोटल पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट एक्सेप्ट प्लस पी बी नॉट वाई एम एक्स प्लस सी, ये भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है बट y इंटरसेप्ट इज नॉट जीरो, वहां पे y इंटरसेप्ट आ रहा है पी बी नॉट, मतलब ये स्टार्ट हुआ कर यहां से दो पॉइंट मिल गए तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। चलो एक पॉइंट तो ये मिला, दूसरा पॉइंट एक काम करो x से को तुम रख दो वन, जब x से को वन रखोगे मतलब सोल्यूशन है ही नहीं प्योर है, तो ये वाला पी नॉट माइनस पी बी नॉट ये पी बी नॉट कैंसल प्लस माइनस पी ए नॉट आ जाएगा, मतलब दूसरा पॉइंट ये आ गया। तो p टोटल के लिए ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन इन दिस मैनर, ये p टोटल ये p a और ये p b का ग्राफ। क्लियर है? यस सर। कर लो ड्रॉ फटाफट। हेलो सर। बोलो सर, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। करता हूँ, कॉपी कर लो पहले एक जल्द बार जल्दी से। हमारे पास तीन इक्वेशन है, पहला इसको y एक्सिस पे ले लिया, इसको x एक्सिस पे y इक्वल टू mx, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन y इक्वल टू mx। सेकंड pb इक्वल pb वर्सेस xb, इसे y एक्सिस पे लिया इसे x एक्सिस पे लिया तो ये y इक्वल टू mx, इसके लिए ओरिजिन ये हो गया, यहां पे इंक्रीज हो रहा है। थर्ड हमारे पास इक्वेशन है पी टोटल वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अब एक्स को सबसे पहले जीरो रख दो तो ये टर्म जीरो, पी टोटल इज पी बी नॉट, एक पॉइंट मिल गया। स्ट्रेट लाइन के लिए दो पॉइंट चाहिए, दोनों को कनेक्ट कर देंगे। फिर एक बार एक्स को वन रख दो, दूसरा पॉइंट पी नॉट आ गया, दोनों को कनेक्ट कर देंगे। कितना क्लियर है अभी? यस। हाँ दर्शना, क्लियर है नहीं है रोड्स लो अभी या बताना है वापस से? नो सर, क्लियर है। चलो होमवर्क मैं कुछ ज्यादा एड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेक्शन ज्यादा सेक्शन अभी कवर नहीं हुए, नेक्स्ट क्लास के बाद ही मैं होमवर्क एड करूंगा। क्या बोल रहे हो? नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक है? नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक, इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी तो रॉड्स लॉ ही चल रहा है, फर्स्ट केस पे ही है रॉड्स लॉ। सो फर्स्ट केस तो खत्म हो गया ना, मतलब और बाकी है क्या? बाकी है अभी, फर्स्ट भी बाकी है। ठीक है सेशन एंड कर दो फिर मैं अभी। yes, सर वो टाइमिंग का क्या हुआ? वो उसका ना जो पर्सनल इंटरेक्टिव सेशन उसका पूछ रहे हो? यस सर। हाँ तो वो नेक्स्ट वीक से प्लान कर रहे हैं, इस वीक में थोड़ा सा कोविड के चलते इसलिए नहीं बुलाया गया है, नेक्स्ट वीक से वो भी प्लान करेंगे। और तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम्स की डेट भी आ गई है ग्लोबल के और एमरो के, 9th टू 16th ऑफ अप्रैल है शायद, ऑनलाइन ही होंगे एग्जाम्स। सर इतना जल्दी क्यों एग्जाम, मतलब 11th के एग्जाम मई में होने वाली थी ना? किसने बोला ऐसा?
नहीं सर, उन्होंने अप्रैल ही बताया था। अप्रैल में ही होने वाली थी क्योंकि मई में तो 12th बोर्ड के एग्जाम थे, तो बोर्ड के एग्जाम्स के टाइम पर नहीं हुई। और वो ठीक है, मतलब ऑनलाइन होगा, गूगल फॉर्म तुमसे शेयर कर दिया जाएगा, उस पे तुम्हें आंसर टिक करके मतलब कुछ तो करना है, ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ ही होंगे, एक जस्ट फॉर्मेलिटी है बस, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है उसमें 11th एग्जाम्स। अच्छा, वो टाइम हम यूटिलाइज करेंगे रिवीजन के लिए 11th का। सुबह एक रिवीजन लेक्चर हो जाएगा, शाम को दोपहर को तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। सर हमारे 12th क्लासेस ऑफलाइन कब से स्टार्ट होंगे, तब कैसी पॉसिबिलिटी? पॉसिबिलिटी देखो, मुझे पर्सनली जो लग रहा है, हालांकि कुछ बोल नहीं सकते, बट मुझे जो पर्सनली लग रहा है, जिस टाइप से भी सिचुएशन है, शायद लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो हम यही कर रहे हैं कि हमने जो अप्रैल का टाइम है 11th में यूटिलाइज कर रहे हैं 11th कॉलेज के एग्जाम्स के, ताकि वो चीजें ऑफलाइन हमारा टाइम खराब ना हो। तो मैक्सिमम पार्ट फर्स्ट 2-3 वीक्स का तुम्हारे कॉलेज में जाएगा, अप्रैल के एग्जाम्स में, ओरल्स में। सर अप्रैल में पीक आने वाला है, तो पूरा अप्रैल तो बंद ही रहेगा। किसने बताया ऐसा? सर न्यूज़पेपर में आया है। न्यूज़पेपर में आया, ठीक है, मतलब ये सिचुएशन तो कोरोना का ऐसा है, तुम खुद भी रियलाइज कर चुके हो, किसी को कुछ नहीं पता। मतलब मैंने भी पढ़ा था, एक सर्वे पढ़ा था, जिसमें साफ बताया जा रहा था कि कुछ